Crying is a crime. Spread the word. Running is a crime. एक दो, रैली करना छोड़ दो. एक दो, रैली करना छोड़ दो. अच्छा, लैगिंग से सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी टॉर्चर हो
कि वो अपनी जान लेने तक होता है। ऐसा कई सारा मामला हमारे आसपास देखा भी जाता है। कई सारे कॉलेजेस तो ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने कॉलेज कैंपस में इस चीज़ का बोर्ड भी लगाया है, जो कि देखने और सुनने दोनों में ही काफ़ी अच्छा लगता है। सीनियर्स चाहते हैं कि जूनियर्स उनका सारा काम करें, उनकी बात माने, उनकी तरफ से चले, जो कि सरासर गलत है। इसमें हमें आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हमसे वो नहीं सुन रहे तो हमें अपने टीचर से भी कंसल्ट लेना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर डर हो और वो इस चीज़ को जल्द से जल्द खत्म करें। तो इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखें।
और इसी के साथ मैं जब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। कुछ बताए रैगिंग कितना खतरनाक है और ये मानसिक स्तर पर किस तरह चोट करता है। जोरदार तालियां हमारे ये छोटी सर्किल। ये अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कम है, आगे आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि पोलियो भी होगा, माइक भी होगा, एसी भी होगा, पर्दा भी बहुत जल्द लगेगा, सारी सुविधाएं और भी आगे मिलेगी, तो ज़्यादा बेटर इंटरेक्शन हम लोग करेंगे। इस मौके पे सबसे पहले उषमा मैडम को वेलकम करते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैनेजमेंट का भी साथ दिया है और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, ये जो मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व हुआ है आया है वो इकोनॉमिक्स से ही आया है, तो इकोनॉमिक्स एक जननी है, जहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ है, कॉमर्स का भी फर्टिलाइजेशन हुआ है और मैनेजमेंट का भी हुआ है ना। तो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का हमेशा शुरू से जब से डिपार्टमेंट खुला है तालमेल है। पहली आपका पहला पहली जो अध्यक्ष थी वो मैं रही थी इस डिपार्टमेंट की, तो ये सिलसिला इकोनॉमिक्स से शुरू हुआ है, इकोनॉमिक्स से चल रहा है, तो ये तो पहली बात। दूसरा है कि अब हिंदी राइटिंग पर कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है ना, कल से सुन रहे हैं और ये निश्चित तौर पे आज पहला कार्यक्रम जो इंटरेक्शन है मैनेजमेंट सर्विस के साथ मेरा हुआ है और बहुत बहुत बधाई कि सभी ने जितना प्रयास किया वो प्रयास सराहनीय है, जितना जिसको समझ में आया पोस्टर के साथ कुछ मुगत के साथ बातें कम रखनी होती है उसमें सब चीज़ छिपा होता है, ऐतिहासिक काम ज़्यादा करेंगे तो कुछ मुझे वाला नहीं होता है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो बहुत सारी बातें हो गई, कल भी हम बताए थे रैगिंग एक बहुत छोटा इशू नहीं होता है, बहुत बड़ा इशू होता है, उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कल बताए थे कि कोई अपना जूनियर है, कोई सीनियर है, सीनियर आपको यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि बैठ जाओ तो वो भी रैगिंग का पार्ट आता है, आपके साथ सही से बर्ताव नहीं करता है वो भी रैगिंग का पार्ट आता है, आपके साथ ऊँची आवाज में बात करता है वो भी रैगिंग का पार्ट आता है। तो जितना भी बिहेवियर है हिंदी बिहेवियर एटीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं वो सारा इसके दायरे के अंतर्गत आता है। तो धीरे धीरे काफ़ी अवेयरनेस इसमें अवेयरनेस होते जा रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, UGC का गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ये रैगिंग सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है वो छोटे कॉन्टेंट रूप में है और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये हिंदी रैगिंग को भी हम लोग मनाते हैं शायद मनाने में अवसर देना होगा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वही बात ये एंटी रैगिंग डे के अवसर पर ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपको मैंने पहला किया है, इसमें इकोनॉमिक्स के भी मेरे स्टूडेंट हैं, तो जैसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के भी मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही हम पढ़ाते हैं मैनेजमेंट हम नहीं पढ़ाते हैं, हम सुपरवाइज करते हैं गाइड करते हैं। तो ये दोनों के लिए डिपार्टमेंट के लिए है कि किसी तरह का कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम अगर हो तो ज़रूरी नहीं कि हम ही आए तभी होगा या मैडम आए तभी होगा, आप अपने में अवेयरनेस प्रोग्राम भी डेवलप कीजिए कुछ कीजिए जिससे हो कि आप किसी भी विषय पर अपनी राय को रख सकते हैं है ना। ये ओपिनियन रखना बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है कि कभी भी आप जब डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर ओपिनियन मांगा जाता है, ठीक है ना। ओपिनियन जो सीकर जिसको आप बताते हैं वो ओपिनियन सीकर बनना सीखिए और ये सब एक लगातार एक रेगुलर बेसिस पे एक रेगुलर प्लेटफॉर्म पे ये इस तरह का जो प्रोमोशनल प्रोग्राम है उसको हम करते रहना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तीसरी बात है फिर ये बात बोलेंगे कि आज इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट साइड ये दोनों जुटने के बावजूद भी ये पूरा अभी भी आधा खाली है ना। ये इकोनॉमिक्स के लिए दुखद बात है और आदत को छोड़िए, फैकल्टी है और फैकल्टी आएंगे काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा, ये फायदा कब उठाइएगा। जो अवेयरनेस प्रोग्राम की बात हम लोग करते हैं अपनी अपनी बातों को कहाँ रखिएगा, घर में कौन आपको सुनने वाला है, तो अपने अपने दोस्तों के बीच में हम लोगों के बीच में बातों को रखना ये इसके लिए आना होगा और साथ ही साथ नॉलेज गैप रखिएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इकोनॉमिक्स में और मैनेजमेंट में नॉलेज गैप होगा तो आप जॉब मार्केट से बाहर चले जाइएगा, ये आप बहुत खुले शब्द में बोल रहे हैं। जॉब मार्केट में अगर रहना है कुछ करना है तो उसके लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है और इकोनॉमिक्स उतना ही टफ सब्जेक्ट है और ये आपका MMS भी बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये जो MBA हम लोग पढ़ते हैं MBA से ज़्यादा टफर कोर्स के रूप में ये है, ये लगातार आपको बता रहे हैं, इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। एवरेज प्रोग्राम करते रहिए,
और इनमें कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट्स के बीच में रहना चाहिए, टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। जहाँ प्रॉब्लम है अपने प्रॉब्लम के उनको लाइए ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर सकें और आगे आने वाले दिनों में आपका अच्छा भविष्य हो। आप अच्छा नॉलेज लेकर के जाइए और इकोनॉमिक्स में भी मैडम से हम बोलेंगे कि जो प्लेसमेंट है तो आप प्लेसमेंट पर हम लोग इकोनॉमिक्स में भी ध्यान दें और मैनेजमेंट में भी और फोकस करना है प्लेसमेंट को, ताकि जैसे जैसे ही हम लोग का सिलेबस कवर करें, जैसे हम लोग पास आउट हो ये करके जाए कि भाई इस डिपार्टमेंट के हम स्टूडेंट हैं। सोच रहे थे क्या खासियत होती है अच्छे लोगों की। परम आदरणीय हमारे विद्यार्थीगण, ये बहुत अच्छी बात है कि आज एंटी डेनिंग का जो प्रोग्राम मैनेजमेंट की ओर से रखा गया इस तरह का हम अभी तक देखे नहीं थे। मैंने पढ़ाई की थी 76-78 में BA और MA 78-80 में, उस समय सर कोई चीज़ का चर्चा नहीं थी, नहीं एकदम नहीं। और देखते तो क्लासेस में किसी तरीके से ऑनर्स में 247 पूरा भागलपुर यूनिवर्सिटी में था, 247 केवल। अब तो एक तो कॉलेज में जाता है उससे ज़्यादा, तो एक कोना में 4-5 लड़की रहती थी और सारा लड़का रहता था। अब लगता था कि दबे कुचले से वो लड़की सब बैठी हुई, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर एकदम उल्टा है, केवल 5-6 लड़का है और लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और रैगिंग से रिलेटेड कोई भी बात यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम लोग का रैगिंग आप लोग कर दिए उन विद्यार्थियों ने देखे कि रिस्पेक्टेड एवरीबडी, हाँ हम लोग को छोड़ दिए, ये भी रैगिंग है। तो बहुत अच्छा लगा कि सब आते हैं यहाँ पर संबोधन में, सब बेटा बेटी दोनों आया था, बेटी आया कि गोरखपुर से, बेटा आया कि गुवाहाटी से किया था। हम पूछे बेटा को, बेटी को भी पूछेंगे, बेटा को पूछे बेटा तुम लोग के यहाँ कुछ होता है रैगिंग क्या ऐसा, हम लोग भी इसमें तो नहीं होता है। बोला हाँ होता था, हमने लेकिन मना तो है, तो उन्होंने रात में करते थे, किसी लड़के को पकड़ के लाए और रूम में बैठाते थे नीचे, जैसे दिखाए ना हम लोग उसी तरह से। लेकिन इंस्ट्रक्शन था डायरेक्टर का मैडम के टाइम से और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के टाइम से, इसलिए इस तरह का काम करते रहिए ताकि विद्यार्थियों में या जूनियर्स जो होंगे उसमें एक अच्छा संदेश जाए और अगल बगल के डिपार्टमेंट में पूरे विश्वविद्यालय में ये संदेश पहुँचेगा कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया और इसको हम लोग एक एल्बम की तरह बना के रखें। इकोनॉमिक्स की थे डॉक्टर पुष्पा कुमारी मैम का, और ये भी बताते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से अब तक जितने भी हेड जुड़े हैं आज वो सभी मौजूद हैं। शुरुआत पुष्पा मैम से हुआ था, फिर कुछ वक्त के लिए माझी सर हमारे साथ आए थे और प्रेजेंट में हमारे सरल सर भी हमारे साथ हैं। तो जोरदार तालियां डॉक्टर पुष्पा कुमारी मैम के लिए। धन्यवाद मल्लिका, सत्य माझी सर, गोविंद जी, पांडे सर और सभी, तो बच्चों ने सभी कुछ कह दिया, लेकिन कुछ बात उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैनेजमेंट सर 18 दिन हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत उत्साह और उमंग के साथ, ताकि यूनिवर्सिटी को एक मिल रही है अपॉर्चुनिटी, बच्चों को हम लोग पहुँचाए उस तक। बहुत हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसका सिलेबस बनाया बस बात करके, और चल रही है परम्परा आगे। और रैगिंग के लिए बहुत सर एक बात जो कही है उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि बोलने में हिचकिचाइए नहीं आपको। मुझे भी मेरे कभी टीचर ने बताया था कि बोलिए भी तब भी और लिखिए तब भी, आप ये सोचिए कि सामने वाला कुछ नहीं जानता है, मैं ऐसा लिखूं कि वो उससे समझ जाए, और बोलिए भी तो ये मान के कि सामने वाले को कुछ पता नहीं है, मैं अपनी बात से उसको कन्विंस करूँ, कोई घबराने की उसको ज़रूरत नहीं है। रैगिंग हम लोग को डे स्कॉलर रैंक में तो थोड़ा कम नज़र आता है, लेकिन हॉस्टल में अभी भी
चलता है। और जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को, हर एक सीनियर को, एक जूनियर को अपने मतलब हेल्पर की तरह ट्रीट करते हैं। से नो टू रैगिंग, हम लोग कहते हैं कि कहाँ नो करें तो वो हमारी बात सुनने वाला कौन, एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन और आपके साथ पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व हो, एक बात हमको ध्यान रखनी है, हम लोग कह रहे हैं विक्टिम जिनको किया जाता है वो तो दुख को भी होते ही, और अभी वो जो मार का आपने किया तो हम लोग एक बोलते हैं ना, यूं तो मैं बताता नहीं बड़े अंधेरे से डरता हूँ मम्मा, मुझे सब है पता है। बच्चे महसूस करते हैं जो करते हैं वो भी सक्रिय होते हैं जोश में भीड़ के साथ, है ना, कि भीड़ को सोचने समझने की ताकत नहीं है। 5 साल तक की सजा है तो अगर वो उसमें पकड़े जाते हैं तो उनका भी कैरियर खत्म हो जाता है, ये भी हमारे लिए। और जो करते हैं उनको ये समझाने की जरूरत है, वो भी स्टूडेंट है तो कभी भीड़ के साथ अपना आपका नहीं खोइए, अपना जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत रखें, खुद ही को कर बुलंद उठना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी नजर। छोड़ दो, 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 छो
रैगिंग करना छोड़ दो। बी आ बड़ी नॉट आ बुली। बी आ बड़ी नॉट आ बुली। बी आ बड़ी नॉट आ बुली। एक दो रैगिंग करना छोड़ दो। एक दो रैगिंग करना छोड़ दो। एक दो रैगिंग करना छोड़ दो। बताते रैगिंग छोड़ दो। रैगिंग